पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। पंजाब राजभवन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में कैबिनेट में चार नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि मौजूदा मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान, चेतन सिंह जोड़ामाजरा, ब्रह्मशंकर चिंपा और बलकार सिंह को हटा दिया गया है। इन मंत्रियों के इस्तीफे भी शपथ समारोह से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधावा के पास पहुंच चुके हैं। संगरूर से लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीथेयर की जगह मंत्रिमंडल में नए चेहरे के साथ चार नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उनमें हरदीप सिंह मुंडिया, बरिंदर कुमार गोयल, तरनप्रीत सिंह सोंध और महिंदर भगत शामिल हैं। बलकार सिंह की बात करें तो हाल ही में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते मंत्री बलकार के साथ सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। अनमोल गगनमान की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर दिए बयान पर किसानों व विरोधियों के निशाने पर रही हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार आने पर 5 मिनट में MSP लागू कर देंगे। चेतन सिंह जोड़ामाजरा को हटाने की वजह, मंत्री के पास पहले स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा था। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व VC डॉक्टर राज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार के कारण विवादों में रहे थे। वहीं ब्रह्मशंकर जिम्पा राजस्व मंत्री रहते हुए मोगा में एक रजिस्ट्री में फ्रॉड शिकायत के मामले में उन पर तहसीलदार पर एक पक्ष के हक में फैसले के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा था। विपक्ष ने तब जिम्पा पर कार्रवाई की मांग की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।